हाय एवरीवन, आज हम हिस्ट्री के टर्म टू के सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए सोर्स बेस्ड के, उन सबको निकाल के उनके आंसर्स के साथ लेके आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपका जितना भी प्रिपरेशन है टर्म टू का लेके, केस बेस्ड का लेके, वो पूरा का पूरा हो चुका होगा। ये फंसना पक्का है वीडियो नहीं है, क्योंकि हमारे जो केस बेस्ड है उसमें रैंडमली क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपका प्रिपरेशन पूरा का पूरा हो चुका होगा। तो सीधे हम देख लेते हैं भाई, पहले हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए केस बेस्ड के लिए। तो इसमें हमारे सामने दो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। पहली है हमारी एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया है तो आधा आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। इस वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाता भी जाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी से लेके हमें आंसर लिखना पड़ता है। तो एनसीईआरटी अगर आपका अभी भी थोड़ा डाउटफुल है तो हमारी फसना पक्का है सीरीज को आप फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे नोट्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, नोट्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हेल्प मिलेगी और आपके क्विक रिविजन और क्विक स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फसना पक्का है और नोट्स वाले PDFs। दूसरा पॉइंट निकल के आ जाता है हमारे क्वेश्चंस। आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे हमें उनका आंसर करना होता है, कैसे हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, जो कि इस वीडियो के बाद पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ गए। मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर पूरा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सोर्स के साथ। ये हमें इस बार के सैंपल पेपर में भी देखने को मिला। सैंपल पेपर का सोर्स है, सीधे इसका देख लेते हैं, द फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ड्स। ये जो आपको नंबर देखने को मिला, ये पेज नंबर है जो कि आपको एनसीईआरटी में जहाँ पे ये बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके भी पढ़ते जा सकते हो। तो यहाँ पे अबुल फजल के हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली जो हमें रिटन फॉर्मेट है उसकी तारीफ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अबुल फजल के टाइम पे हमें इनका बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स देखने को मिल जाते हैं। इनके टाइम पीरियड पे रिटन वर्क्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था, तो वही देखने को मिलता है। ये बताते हैं कि अगर जो ओरली हम बोलते हैं वो तो कुछ आसपास के लोग सुन रहे होते हैं, बहुत कुछ टाइम पीरियड तक उसको याद रखा जाता है, फिर भुला दिया जाता है। लेकिन जो रिटन फॉर्मेट है वो दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। आपका जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसमें आप पोर्ट्रे कर सकते हो और बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। फ्यूचर जनरेशन को भी इंटेलेक्चुअली वो हेल्प कर सकता है। अगर आप सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से किसी लेटर को देखोगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वर्ड्स या फिर सिर्फ कुछ डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डीप स्टडी करोगे तो उनमें आपको एक विजडम का लैम्प देखने को मिलेगा, एक चिराग देखने को मिलेगा। तो इसके बाद ये सिर्फ तारीफ करते हैं लेटर्स की, रिटन फॉर्मेट की। बेसिकली आपको पूरे पूरे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। कि एक बार बता देता हूँ, अ ब्लैक क्लाउड प्रेग्नेंट विथ नॉलेज, डम बट स्पीकिंग, स्टेशनरी येट मूविंग, तो ऐसे वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री में हमारे जो क्वेश्चन है वो आपको वर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वैल्यूज एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, वैल्यूज पे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वर वर्ड्स कंसिडर्ड एज अ लैंप ऑफ विजडम। इसका आंसर आपको केस में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको इसका आंसर जो है खुद से सोच के लिखना पड़ेगा। तो आपने केस पढ़ा है, आपको पता है कि वो लेटर्स की तारीफ कर रहे थे, वर्ड्स की तारीफ कर रहे थे, तो अब आपको खुद से वहां पर जो आपको समझ में आएगा वो अपने वर्ड्स में लिखना है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम द स्पिरिट ऑफ रेशनल थिंकिंग कम्स फ्रॉम वर्ड्स। तो आप अपने वर्ड्स में दो तीन लाइन में फ्रेम करके लिखोगे कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, आपका जो नॉलेज है उसमें आप पोर्ट्रे कर सकते हो, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे लोगों को। तो इस तरीके से आप लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ अबुल फजल रिलेटेड वर्ड्स विद नॉलेज। तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से सोच के लिखना पड़ेगा। तो हमारे जो केस बेस्ड के क्वेश्चन है वो जनरली तीन टाइप के आएंगे। पहला कि आपको अपने खुद से सोच के लिखना पड़ेगा, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा, आपको उसका आंसर केस में मिल जाएगा, ये सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा, आपको उनका आंसर एनसीईआरटी में मिलेगा। तीनों टाइप के क्वेश्चन हम पूरे इस वीडियो में देख रहे होंगे, तो एक एक करके आपको सबका आइडिया लग जाएगा। तो हमने ये देखा, इसका आंसर भी आप खुद से लिख सकते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो पढ़ने वाले के नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, लिखने वाले का नॉलेज को पोर्ट्रे करते हैं। इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए आएंगे आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो। लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हाउ डिड अबुल फजल रेफर डिफरेंस बिटवीन कॉमन व्यूअर्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लर्न्ड पर्सन। इसका थोड़ा सा हिंट हमें बॉक्स में देखने को मिला, सुपरफिशियल वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था। इसमें आपको अपने मन से थोड़ा सा सोच के लिखना है कि
अगर एक कॉमन पर्सन देखेगा तो उसको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक लर्न पर्सन देखेगा तो बहुत कुछ उससे समझेगा भी, अपने ओपिनियंस भी फॉर्म करेगा। आप जरूरी नहीं है यही एग्जैक्ट पॉइंट लिखिए, आप मन से सोच के इनका आंसर कर सकते हैं। कोई भी वैलिड पॉइंट आप लिखेंगे तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला केस है हमारा नोबल सेट कोर्ट। तो यहाँ पे हमें, आपको पता ही है कि अकबर के टाइम पे जिस्यूट्स को उन्होंने इनवाइट किया था, उनके कोर्ट में जिस्यूट्स आए थे, तो उनका एक ऑब्जर्वेशन है, फादर एंटोनियो मोंसेरेट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ये बताते हैं कि हमें कोर्ट में देखने को मिलता है जो नोबल्स है उनके पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो इंसोलेंट ना हो जाए, ढीठ ना हो जाए, या फिर रूड ना हो जाए अपनी पावर्स के कारण। इसलिए जो किंग है उनको अपने कोर्ट में बुलाते हैं, उनको बहुत सारे ऑर्डर्स देते हैं। कई बार तो ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो उनकी डिग्निटी और रैंक को सूट नहीं करते, लेकिन ये दिए जाते हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए। अब अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बॉक्स से, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन अकबर एंड हिज नोबल्स। तो आपको यहाँ से बॉक्स से समझ में आ जाएगा कि भाई अकबर उनको अपने स्लेव्स की तरह देखते थे, उनको अपने एज अंडर में देखते थे, उनको ऑर्डर दिया करते थे, कमांड दिया करते थे, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। तो ये आप अपने वर्ड्स में लिख देंगे। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक दैट द नोबिलिटी वाज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट, तो ये तो हमारे बॉक्स में है ही नहीं, ये हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने फंसना पक्का है, या फिर नोट्स देखे हुए हैं, तो आपको पता ही है कि जो हमारे मुगल स्टेट था वहां पर नोबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। उनको हम एक गुलदस्ता बुलाते थे जो कि लॉयल्टी से बंधा हुआ है, वो बहुत ज्यादा वॉर्स में हेल्प करते थे किंग को, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। इसी को आप अपने वर्ड्स में लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस बॉक्स में भी हमें मोंसेरेट के एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। ये बताते हैं कि जो अकबर है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, जो भी उनसे मिलना चाहता है बहुत ईजिली उनसे मिल सकता है। हमें चैप्टर से पता है झरोका दर्शन वो किया करते थे, तो उसी की बात इस बॉक्स में उन्होंने की है मोंसेरेट ने, कि रोज वो अपनी जनता से मिलते हैं, अपने सब्जेक्ट से मिलते हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्यार के साथ बात करते हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं। इस बॉक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझ लेते हैं तो आप सारे आंसर को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज जेसुइट्स, हाउ डिड दे एस्टैब्लिश नेटवर्क इन इंडिया। तो ये हमें चैप्टर से नॉलेज से बनेगा कि जेसुइट्स थे सोसाइटी ऑफ जीसस के मिशनरीज थे, बेसिकली इंडिया में क्रिश्चियनिटी को और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये लोग आए थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मोंसेरेट अकॉर्ड हिज एक्सपीरियंस अबाउट द अकबर। इसमें आपको थोड़ा सा बॉक्स से सोच के लिखना है। यहाँ पे हमें पूरा क्लियरली दिया हुआ है कि अकबर के बारे में वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, कोई भी उनसे मिल सकता है। आप चैप्टर से भी लिख सकते हैं कि झरोका दर्शन किया करते थे, इसलिए भी ये लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाते थे, साथ साथ अच्छे से वो अपनी प्रजा से बात किया करते थे। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हाउ हैड अकबर्स कॉर्टेसी ब्रॉट अफेबिलिटी फॉर हिज सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन। यानी कि अकबर का जो प्लेजेंट और अच्छा बिहेवियर था, उसने अपनी जनता, अपने सब्जेक्ट्स की तरफ से कैसे प्यार को थोड़ा ग्रो कर दिया था, कैसे कनेक्शन को ग्रो कर दिया था, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ईजिली आप तीन पॉइंट यहाँ पे दो पॉइंट सोच सकते हो। सबसे पहले अकबर ने रिलैक्सेशन किए थे टैक्सेस में, जिनसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई थी, जो कि हार्श टैक्सेस थे उनको हटा दिया था। इसके बाद अकबर रिलीजियसली हम्बल थे, हमें देखने को मिलता है सुलाई कुल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे सबको फ्रीडम दी गई थी। इसके अलावा वो अपनी पब्लिक को भी सुना करते थे, ही वॉज वेरी कीन टू मीट पब्लिक एंड लिसन टू देयर वॉइसेस। तो ये पूरे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, बहुत ईजिली आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं अगला बॉक्स, द ज्योतिदास ऑफ दिनाजपुर। अब इस बॉक्स में हमें पूरा ज्योतिदास और जमींदास के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हमें देखने को मिलता है। ज्योतिदास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर बनते चले जा रहे थे, उनकी पावर भी राइज होने लगी थी। अब इनके पास जो लैंड था वो इन्हें पता है कि जमींदार उस पर कुछ कर नहीं सकता, जमींदार का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साथ साथ ये क्या करते थे, अपना रेवेन्यू कुछ हिस्सा ही देते थे, पूरा रेवेन्यू पे नहीं करते थे टाइम पे। सबसे पहली चीज जमींदार को परेशान करने के लिए किया करते थे। जमींदार ज्यादा से ज्यादा क्या करता था, कोर्ट में इनको बुला लिया करता था, पनिश किया करता था, कुछ घंटों के लिए जेल में डाल दिया करता था, लेकिन इसके बाद ये भी पुलिस थाने चले जाते थे और जमींदार की कंप्लेंट कर दिया करते थे, उन पर आरोप लगा दिया करते थे। इसके बाद निकलने के बाद ये लोग क्या करते थे, जो बाकी रायट्स थे इनके अंडर में उनको भी बोला करते थे कि आप पैसे मत दीजिएगा। तो ये हमें पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाता है। मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इन क्वेश्चन को या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बाकी आप एक बार पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में भी आप पढ़ेंगे तो आप पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो याद आ जाएगा। इसके हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। इन तीनों क्वेश्चन में आपको जितने भी आंसर्स हैं वो आप बॉक्स से देख के लिख सकते हो। मेंशन द वेरियस वे इन विच ज्योतिदास ऑफ दिनाजपुर रेजिस्टेड द अथॉरिटी ऑफ जमींदार। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एक पॉइंट और बताना था कि ज्यादातर जितने कॉन्ट्रैक्ट होते थे उससे ज्यादा लैंड ये लोग होल्ड करा करते थे। इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि ये लोग अपना रेवेन्यू नहीं देते थे, जो राइट्स है उनको भी इन्फ्लुएंस करते थे ना देने के लिए।
साथ साथ जमींदार के अगेंस्ट ये लोग पुलिस थाने चले जाया करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेज इन विच ज्योतिदास अंडरमाइन द पावर ऑफ जमींदार। तो वही आपको सिमिलर देखने को मिलता है, इनका जो इन्फ्लुएंस विलेज पे था वो जमींदार से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था और इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेंट होने लगे थे। साथ साथ ये लोग राइट्स को भी जमींदार के अगेंस्ट कर दिया करते थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल फिगर बन गए थे। मेंशन हाउ द जमींदार रेप्रीमांडेड द डिफाइंट ज्योतिदास। तो ये हमने एक पॉइंट देखा कि वो लोग कचहरी से बुला के कुछ घंटों के लिए उनको जेल में डलवाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव इनके जो पावर्स थे वो अब नहीं बचे थे। अगला हमारा बॉक्स है बुकानन ऑन द संथल्स। इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनिएगा, आगे इसी से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका बनता हुआ देखेगा आपको। यहाँ पे बुकानन ने सबसे पहले संथल्स के बहुत तारीफ करी एक लाइन में कि ये बहुत अच्छे से न्यू लैंड्स पे क्लियरेंस करते हैं, वहां पे सेटल होते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी बुराई की है, किस तरीके से रहते हैं, बहुत अनकाइंड अनटाइडी तरीके से रहते हैं, उनके हट्स में कोई फैंस नहीं है, एंड वॉल्स आर मेड ऑफ स्मॉल स्टिक्स प्लेस्ड अपराइट। बहुत पास पास इनके घर है, बहुत अनटाइडी स्लोवनली यानी कि अनटाइडी तरीके से रहते हैं, थोड़ा सा इन्होंने प्लास्टर कर लिया, ऊपर कोई कर्व हमें देखने को नहीं मिलता है, फ्लैट रूफ इन्होंने बनाए हुए हैं। तो बेसिकली आगे थोड़ी सी बुराई टाइप पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। अब इससे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे निकल के आते हैं। सबसे पहले दो क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी बेस पे लिखने होंगे। एग्जामिन द रोल ऑफ बुकानन एज एन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनका काम क्या था, अलग अलग जगहों पे जाके रिसर्च करना, अलग अलग ऑब्जर्वेशन करना, उनके बेस पे अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। तो इनकी पूरी टीम वॉचमैन सर्वेयर प्लैंक्विन बैरियर्स पुलिस की टीम जो थी वो इनके साथ साथ चला करती थी। ये आपने पूरा आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ संथल्स। तो संथल्स की एक्टिविटीज हमने देखी थी, कमर्शियल क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते थे, सेटल होते थे अलग अलग जगहों पर जाके, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के साथ भी ये लोग डील किया करते थे, तो ये इनकी एक्टिविटीज हो गई। और लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला, हाउ डिड बुकानन डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ संथल्स। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो गया हमारा तीनों आंसर। आप अपने वर्ड्स में इनको आंसर को हमेशा फ्रेम करेंगे तो आपसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आगे वीडियो में बढ़ने के पहले यार वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा ताकि YouTube को पता चले कि वीडियो अच्छी है, वो भी थोड़ा प्रमोट करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपको साथ साथ वीडियो को देख सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, केस बेस्ड में 8 out of 8 ला सकें। ये वाला जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनिएगा। थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं, उसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, मैं ब्रीफली इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिल रहा था कि सॉल्ट सत्याग्रह क्यों किया जा रहा था। सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट पे बहुत हैवी टैक्स लगा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या करना चालू किया था कि जितने भी सॉल्ट बनाने वाले लोग थे उनको पूरा बैन कर दिया था कि आप सॉल्ट खुद से नहीं बना सकते। कई जगहों पे जहाँ पे नेचुरल सॉल्ट था वहां से जब लोग लेके जाने लगते थे तो वहां के सॉल्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो ये जो क्रूएल एक्शंस थे ब्रिटिशर्स के, ये बहुत हैवी अमाउंट पे हुए जा रहे थे, पूरे नेशन वाइड ऐसे क्रूएल स्टेप्स लिए जा रहे थे, इसलिए अभी एक नेसेसिटी बन गया था कि सॉल्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह किया जाए। हमें यहाँ पे पूरा देखने को मिल रहा है कि सॉल्ट की जो मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले ली थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि अब इसको तोड़ा जाए। बहुत हैवी टैक्स था जो लोग दे नहीं पा रहे थे, जिसके कारण बहुत हैवी नुकसान हो रहा था, लोगों के पास इतनी बेसिक नेसेसिटी का एक्सेस खत्म होता चला जा रहा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा केस से इसका आंसर मिलेगा, थोड़ा सा जो एनसीईआरटी है बॉक्सेस के अलावा जो एनसीईआरटी वहां से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तो इसको हम देख लेते हैं। Why was salt monopoly introduced by the British considered as a curse by Indians? तो बहुत obvious इसका answer reason आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत high tax लगा रहे थे, लोग इसको इतना pay ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी basic necessity लोगों से छिन गई थी। It involved wanton destruction of property. Wanton यानी कि destroy भी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स लेकिन उसका कोई benefit भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को benefit है। तो ऐसा destruction जो कि सिर्फ और सिर्फ harmful है, जिसका कोई positive side नहीं है। तो ये हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था कि इंडिया की जो रिसोर्सेस है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि उस पर वो टैक्स कलेक्ट कर सके, ताकि लोगों को फ्री में सॉल्ट ना मिले। तो ये हमें पूरा देखने को मिल रहा था, लोग स्टार्व कर रहे थे। तो पूरा इसको आप खुद से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी इलस्ट्रेट हिज टैक्टिकल विजडम विथ रिगार्ड टू सॉल्ट मोनोपोली। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिर्फ बॉक्स में नहीं, जनरली भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें क्या देखने को मिला था, गांधी जी ने अपने डांडी मार्च को अनाउंस कर दिया था, उन्होंने बोला था हम वॉक करेंगे और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, और बहुत सारी अलग अलग जगहों पर भी इसको रिपीट किया जा रहा था। टैक्टिकल विजडम क्या थी गांधी जी की, इसमें बेसिकली सॉल्ट सबकी नेसेसिटी है, तो एक ऐसी मार्च थी जिसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इवन वुमेन का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। तो गांधी जी ने ऐसे एक मुद्दे को पकड़ा जिसमें सब लोग कनेक्ट कर सके। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी चैलेंज ऑफ सॉल्ट प्रोटेस्ट। सिग्निफिकेंस क्या थी, पहली बार वुमेन का इतना पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था, हमें मीडिया में भी देखने को मिला था कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही थी,
हमें ये भी देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स को समझ में आ चुका था जो हमारा ब्रिटिश राज है यह फॉरएवर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने वाला है, ये एक दिन आएगा जब खत्म होने वाला है। इनको बहुत ज्यादा शेकी भी लगने लगा था अपना जो राज था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि गांधी जी इस दांडी मार्च को करें। ये वाला जो बॉक्स है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये पास्ट में दो बार आ चुका है, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल सा डिस्क्रिप्शन आपको पूरा देखने को मिलता है। गांधी जी अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम यहाँ तक आ चुके हैं, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो मुझे अरेस्ट कर लेगी या फिर हम सबको अरेस्ट कर लेगी, लेकिन थोड़ी सी तारीफ ये गवर्नमेंट की करते हैं, बोलते हैं कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाना चाहिए कि आपने अभी तक हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि ये वो भी बताते हैं कि एक्शन इसलिए नहीं लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि आपको डर था, क्योंकि हम ऐसी आर्मी थे जो कि बहुत पीसफुली अपना काम कर रहे थे, आपको डर था कि आपका गलत ओपिनियन ना फॉर्म हो जाए इसलिए आपने एक्शन नहीं लिया। तो ये गांधी ने पूरा बताया, लेकिन तब भी उन्होंने तारीफ करी गवर्नमेंट की और इन्होंने बोला कि कल हम सॉल्ट टैक्स जो लॉ है उसको ब्रेक करेंगे, अगर मैं अरेस्ट हो भी जाता हूँ तो भी इसको हमें कंटिन्यू रखना है, आप अलग अलग जगहों पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर सकते हैं, ये गांधी जी ने पूरा बोला। इसके हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जामिन द रिएक्शन ऑफ इंडियन टुवर्ड सॉल्ट लॉ, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोगों ने फैक्ट्री वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट को बॉयकॉट कर दिया, स्टूडेंट्स ने भी स्कूल कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया, तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिला। व्हाई वाज गांधी जी कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट अरेस्ट द सत्याग्रही, एक्सप्लेन। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है, इट डिड नॉट हैव द करेज, गांधी जी ने ही ये बताया था कि इनको करेज ही नहीं था इतना कि हम तो पीसफुल जो आर्मी है उसको अटैक कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफेम भी ये लोग हो सकते थे, इंटरनेशनल अटेंशन भी यहाँ पे मिल रही थी, इसलिए इन्होंने इसको नहीं किया। तो इसको आप दो तीन लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जामिन द बेस ऑफ दांडी मार्च, बेस क्या था, सॉल्ट लॉ, अभी जो एक मार्क में है चाहे दो मार्क में है इसको आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हमारे पूरे तीन क्वेश्चन हो गए, आगे तीन और क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये दो बार पास्ट में आ चुका है ये बॉक्स। तो अगले तीन क्वेश्चन आए थे, वाई डिड गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च, तो ये आपको मैंने बता दिया है। नोटेबल क्यों था, हमने पिछले आंसर में तीन रीजन देखे, और द पावर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस इज यूनिवर्सली फेल्ट, इस आंसर को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेसिकली आपको लिखना है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट थी वो भी फियरफुल थी इस एक्शन को लेके, वो भी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहती थी, गांधी जी की जो आर्मी थी और गांधी जी जो थे उनसे थोड़ा सा डर चुकी थी, तो उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ये वाला जो बॉक्स है वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, मैंने इसको दो स्लाइड में पार्ट करके डाला हुआ है, इसको मैं पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका है। यहाँ पे मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नेहरू जी अपनी स्पीच में क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज का जो पास्ट है उसको इंडिया के प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं। पेरिस का एग्जाम्पल देते हैं कि पेरिस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टेनिस कोर्ट में ओथ ली थी कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए बनाएंगे। ऐसे ही इंडिया में भी हम यही करने वाले हैं, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे ही यहाँ पे रशिया का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि रशिया में भी कितने अच्छे तरीके से उन्होंने रिपब्लिक को फॉर्म किया है, तो ऐसे ही हम भी अपना स्ट्रगल करने वाले, हम किसी भी प्रॉब्लम से डरने नहीं वाले। तो ऐसे ही पास्ट के अलग अलग जो लोगों के अचीवमेंट्स, जो कंट्रीज के डेवलपमेंट थे उसको इंडिया के साथ इन्होंने कंपेयर किया, लिंक किया और बोला कि हम भी बहुत लंबा स्ट्रगल करेंगे, चाहे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलेंगे लेकिन अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि किसी भी अलग प्रॉब्लम से अफेक्ट नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छे से इंडिया को रन करने वाला है। उसके बाद इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को थोड़ा सा जस्टिफाई किया, इन्होंने पहले कहीं पे भी डेमोक्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि ऑब्वियसली यार डेमोक्रेसी तो हम इंडिया में चाहते ही हैं, हमेशा से हम डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करते आए, तो इंडिया में हम डेमोक्रेसी लेके आने वाले, लेकिन हाँ हम किसी भी देश की बात कर ले हम उनको कॉपी नहीं करने वाले, उनसे सीखने वाले, उनकी गलतियों से उनकी पॉजिटिव से सीखने वाले और उसको अडॉप्ट करने वाले इंडिया के हिसाब से। तो अब इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई नेहरू डिड नॉट मेंशन द वर्ड डेमोक्रेटिक इन द रेजोल्यूशन। तो वही बात है, डेमोक्रेटिक इसलिए यूज नहीं किया था रेजोल्यूशन में, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो तो हमारे रिपब्लिक वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है, वो कोई अलग नहीं है। डेमोक्रेसी तो हम हमेशा से ही चाहते थे, तो उनको लगा कि जरूरत नहीं है फालतू में वर्ड्स घुसाने की, इसलिए डेमोक्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द थ्री बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अबव इन द अबव पैसेज। तो पहला कि हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेंगे, दूसरा कि ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भी मीनिंग लोग निकाल रहे हैं, वेल डिफाइंड होगा उसका एक अच्छा मीनिंग, प्रॉपर डिफाइंड मीनिंग निकलेगा और वो हमारे इंडिया को चलाएगा, इट शुड बी रिटन, ये ऑब्वियसली ये भी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इक्वल राइट्स टू एवरीवन, किसी को भी हम नीचे नहीं रखने वाले, सेफ गार्ड्स देंगे हम, रिजर्वेशन देंगे और सबको इक्वालिटी में लेके आएंगे।
लास्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म डिड नेहरू गिव स्ट्रेस टू। तो नेहरू जी एक सोशलिस्ट टाइप के इंसान थे, वो सोशलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को वो कंबाइन करना चाहते थे। ही वॉन्टेड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड ही ओपाइंडेड इंडिया वुड गो टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशलिस्ट इंडिया। तो बेसिकली वो सोशलिज्म और हमारे जो डेमोक्रेसी है उसको लिंक करके एक हमारे इंडिया में मिक्स टाइप का सिस्टम चलाना चाहते थे। अब ये वाला जो बॉक्स है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट में दो बार आ चुका है, तो इसके हम 6 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर के जितने भी बॉक्सेस हैं सभी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये गैस है इसी चैप्टर से एटलीस्ट एक बॉक्स आपको देखने को मिलने वाला है। अभी तक कि आप वीडियो से समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे इन आंसर्स को फ्रेम करना है। मैं एक बार सिंपली आपको बता देता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे आप स्टार्ट से बॉटम तक बड़ा फटाक से इसको पढ़ लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन याद आ जाएगा, आपको जो एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है वो आपको याद आने लगेगी। उसके बाद एनसीईआरटी और बॉक्स को कंबाइन करके अपने मन से आपको आंसर लिखना है। आंसर कसीटना नहीं है कि बहुत बड़ा लिख दिया, एक दो पॉइंट आपको लिखने को आएंगे, सिर्फ उतना ही आंसर आपको करना है। इसको हम समझ लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या बोला था हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में। इन्होंने बोला था सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमारे लिए पॉइजन की तरह है, हमें बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमारे इंडिया को डिवाइड कर देगा, ये एक मिस्चीफ है जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, हमें ब्रिटिशर्स ने जो हमारे साथ गलत काम किया था उसको अडॉप्ट नहीं कर लेना है क्योंकि ये हमारे इंडिया को पूरा का पूरा तहस महस कर देगा, ये हमें डिवाइड करके रख देगा। तो ये एक सजेशन था। इन्होंने बोला कि सिर्फ जो माइनॉरिटीज है उनका फायदा नहीं होगा बल्कि उनका नुकसान होगा अगर इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, तो इसलिए इन्होंने बोला कि हमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है उसको बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए इंडिया में। इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, व्हाई आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंसिडर्ड एज मिस्चीफ। तो वही जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि इससे फाइट्स हो सकती है, अलग अलग कम्युनिटीज आपस में अगेंस्ट हो सकती हैं, कम्युनिटीज जो अलग अलग हैं वो कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएंगी, कभी भी वन एक नेशन फॉर्म नहीं कर पाएंगी, हमेशा अलग अलग ही रहेंगी, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। फिर जो वल्लभ भाई पटेल जी के आर्ग्यूमेंट्स मैंने बताए वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो उसको आप सिंपली लिख दीजिएगा, आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। 6 पॉइंट यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, आप कोई भी 1, 2, 3 यहाँ पे लिख सकते हो आंसर में, तो जितने मार्क्स का आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप लिख दीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फिलोसफी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिजल्ट इन अ सेपरेट नेशन। तो अगर इंडिया में ही अगर हम लगा देते तो होता क्या, जो मुस्लिम से वो अलग हो जाते, जो बाकी लोग हैं अलग हो जाते, हमें सेपरेशन देखने को मिलने लगता और कभी भी हम यूनाइट नहीं हो पाते। तो इसी को आप एक्सप्लेन कर देंगे कि कम्युनिटीज अलग अलग हो जाती है, वहाँ पे डिवाइडेड फीलिंग्स आ जाती हैं, तो ये पॉइंट आप वहाँ पे बना देंगे। इतने सारे पॉइंट्स इसलिए डाल दें कि आप कोई भी पढ़ लो, जो भी याद है वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। आंसर मार्किंग स्कीम में हमेशा लिखा जाता है कि कोई भी 1 या 2 वैलिड पॉइंट जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये अगले जो 3 क्वेश्चन है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आपको ओपिनियंस देने वो हमने देख लिए। इन व्हाट वेज डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल दैट द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस्चीफ बिहाइंड। तो वही कि उन्होंने जो हमारा अलग आइडिया था उनका इंडिया को डिवाइड करने का वो छोड़ के चले गए, जो कि अब जो हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला था कि आपके फायदे के लिए नहीं है बल्कि आपके नुकसान के लिए लाया गया था, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन द रीजंस बिहाइंड सरदार पटेल अर्जिंग द असेंबली मेंबर्स टू गेट रिड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगला हमारा बॉक्स आता है, देयर कैन नॉट बी डिवाइडेड लॉयल्टी। इस बॉक्स से भी पास में 2 बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, तो इसको भी हम देख लेते हैं। छोटा सा बॉक्स है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत जी बोलते हैं कि हमारे इंडिया में हमें डिवाइडेड लॉयल्टीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो खुद को हारमनी में रखें, साथ मिलकर रखें, लोग खुद को इंडिविजुअल्स को पहले ना रखें बल्कि नेशन को और हारमनी को अपने ऊपर रखें। तो ये हमें इनका वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, आप चाहें तो एक बार पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जो कि वैल्यू बेस्ड हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। व्हाई डिड गोविंद वल्लभ पंत ले मोर स्ट्रेस ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें डेमोक्रेसी को अगर चलाना है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कि हम खुद से पहले हमारे कंट्री के हारमनी को रखें, अपने जो कंट्री के बेनिफिट है उसको रखें। तो ये यहाँ पे उन्होंने बोला, विदाउट डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन वी कैन नॉट सस्टेन द लॉफ्टी आइडियाज एंड वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसको आप अपने वर्ड्स में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आप वहाँ पे लिख देंगे। वैसे अगर आपको आंसर फ्रेमिंग में दिक्कत आती है तो हमारा आंसर फ्रेमिंग का कोर्स परचेज कर लीजिएगा, टाइम बहुत कम है मैं जानता हूँ, लेकिन 1 घंटे का कोर्स है, 1 घंटे में आपको बहुत बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। तो अभी भी अगर आपको आंसर राइटिंग में अगर लगता है कि डाउट है तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा, 1 घंटा बहुत हेल्प करेगा आपको।
वॉट वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए सक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए कि लोग खुद को पहले हमारे कंट्री को रखें, वही चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। डिवाइडेड लॉयल्टीज ना हो, ग्रुप्स आपस में राइवल बन के ना रहे बल्कि हारमनी में रहें। थर्ड क्वेश्चन है, इन डेमोक्रेसीज वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर। इस फिलोसफी में हमें व्यूज देने, तो वही व्यूज हम देंगे। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम खुद को या फिर खुद की जो कम्युनिटी है उसको दूसरे से ऊपर रखने की कोशिश ना करें, बल्कि सबको इक्वालिटी में देखें और लोगों की भी रिस्पेक्ट करें। लोगों के जो राइट्स हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करें, किसी और को हम दबाएं ना अपने गेन्स के लिए। तो ये आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगले तीन क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वैसे ये याद रखिएगा, जब एक सोर्स रिपीट होता है तो थोड़े से वर्ड्स अलग हो जाते हैं, क्वेश्चंस फ्रेमिंग अलग हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी सोर्स हमने देखे सेम अगर आता है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा चेंज वर्ड्स के साथ आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डिड जीबी पंत इनकरेज सिटीजन्स टू मेक अ यूनिफाइड नेशन। तो उन्होंने बोला कि आप खुद की केयर मत करो, सबसे पहले आप दूसरों को भी अपने ऊपर रखो, अपने साथ रखो, सबको इक्वालिटी से ट्रीट करो, हारमनी रखो, और इंडिविजुअल्स को आपस में राइवली नहीं रखना चाहिए। Why did he urge citizens for loyalty towards nation? For obvious reasons कि पूरे इंडिया का बेनिफिट हो, इंडिया को हम यूनाइट कर सकें, हारमनी में ला सकें और सबका बेनिफिट एक साथ कर सके, कोई ऊपर नीचे ना रहे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वॉज लॉयल्टी कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ सोशल पिरामिड। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो सोशल पिरामिड आपको समझ में ही नहीं आएगा, ये हमारे चैप्टर में इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, वही पॉइंट जो इनके पॉइंट्स हमें पहले देखें उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। अगर लॉयल्टी होती है तो हमारे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा सोशल पिरामिड है, वहाँ पे हमें इक्वलिटी देखने को मिलती है, एक दूसरे पे फेथ देखने को मिलता है और बहुत अच्छी सोसाइटी चल रही होती है। लेकिन लॉयल्टी नहीं होती है तो वहाँ पे हमें राइवलरी देखने को मिल जाती है और लोगों के बीच में फाइट्स होने लगती है और जो एटमोसफियर है वो खराब हो जाता है। तो इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, आपसे बन जाएगा। इसी के साथ ये हमारी वीडियो खत्म होती है। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कॉमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अब जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं, आपको बहुत अच्छे से अपने थॉट लगाना है और उसके बाद अपना मन से फ्रेम करना है, अपने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वहीं पर आपको आंसर मिलेगा या फिर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा आंसर। तो दोनों चीज़ों से मिला के आपको आंसर लिखना है। इसी के साथ अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आग लगा दीजिएगा।